देखो नाटक देखो देखो रे देखो नाटक देखो बिन पैसे का नाटक देखो हो हो हो। पहले तो रियल फ्रेंड्स थे, अब तो सिर्फ फ्रेंड लिस्ट ही बची है। पहले तो आउटडोर गेम्स थे, अब पबजी और फ्री फायर है। पहले तो इमोशंस थे, अब तो सिर्फ इमोजी है। पहले तो इनपुट और आउटपुट थे। कौन कौन सी एजुकेशन आप लोग देते हैं? हम दे रहे हैं यहाँ पे हॉस्पिटल कंडक्ट कोऑर्डिनेटर, जिसमें क्या है, हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद हम बच्चों की ओजीटी करवाते हैं क्योंकि हमारी हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाती है। आफ्टर दैट हम बच्चों को रोजगार प्रोवाइड करवाते हैं, रोजगार देते हैं बच्चों को। तो इस तरह के कितने सेंटर हैं वहाँ पर? जी का तो अभी एक ही है जो हमारा चल रहा है, बाकी के बहुत सारे सेंटर है, लाइक सिलाई वाला चल रहा है अभी, और तुम्हारा फैशन डिजाइनिंग का चल रहा है, इंसेक्ट का बहुत सारे चल रहे हैं, बट जो बिट्रू जी के अंडर काम करते हैं वो हमारा यही सेंटर चल रहा है। जिले में एक ही सेंटर है? हाँ, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। बिट्रू जी के तो मथुरा डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है। हेलो गाइस, कैसे हो सब? इसने न्यू पोस्ट की, उसको लाइक करना, फॉलो करना, बाय। प्रोग्राम में आप भाग लेने के लिए आए? तो आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, हमारे बच्चे बच्चों को रोजगार कौशल विकास मैंने लेकर के देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत काफ़ी संख्या में छात्र छात्रा यहाँ तीन बजे को निःशुल्क यहाँ सरकार की तरफ से चल रहा है, भारतीय कर्मचारी बन रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। एक सरकार की मोदी जी का एक सपना है, इसके तरफ काफी पूरा करने का प्रयास आपके साथ, बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी बच्चे बच्चियों को शुभकामनाएं, यहाँ सीखें और अपना रोजगार क्योंकि जब हमारे पास हमारा गोल सेट होगा तो वो हमें स्टडी के लिए और हार्ड वर्किंग के लिए मोटिवेट करेगा। आप ये देखो कि आपके पास क्या इतना कॉन्फिडेंस है, जैसे मानो आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो आप ये देखो कि आपके पास इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आप उस रोड को क्रॉस करके उस बिल्डिंग में जाके उस इंटरव्यू के सारे क्वेश्चन। So I would sir, look it. Now I would like to call Rati Sharma, Vishnu Pandey, please come on the stage.